वोट का फर्क है, एक वोट से बीजेपी आगे है और दूसरी तरफ आपको ईस्ट दिल्ली का बता दूं तो मात्र 3000 वोटों से जो है बीजेपी आगे है। ये वो नंबर है जिनको कभी भी किसी भी राउंड में पूरा किया जा सकता है, यानी कि जिस तरीके की फाइट दिखाई जा रही थी वैसी फाइट नजर भी आ रही है जमीन पर। क्या अब एक तरीके से वेस्ट दिल्ली में जरूर मार्जिन 12000 का पहुंच गया है और नॉर्थ वेस्ट लगभग बीजेपी जो है एक बड़े मार्जिन के साथ जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो तमाम बाकी सीटें हैं वहां पर उतार चढ़ाव नजर आ रहा है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता खुलने की उम्मीद जो है वो इंडिया गठबंधन को नजर आ रही है। अभी तक की ये स्थिति है जहां पर ये हालात हैं, लेकिन क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था तो वेस्ट दिल्ली की सीट जो थी वो लगभग 7 लाख वोट तक पहुंच गई थी, मार्जिन आप समझ सकते हैं सबसे नंबर वन पर था, वहां अभी 18000 के करीब का आंकड़ा है। तो ऐसे ही जो अलग अलग सीट्स हैं, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट सीट को अगर छोड़ दें आप तो दिल्ली की बाकी 6 सीटों पर जो मुकाबला है वो अभी कड़ा नजर आ रहा है और खासकर चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली की सीट जहां पर नेक टू नेक फाइट, यानी कि चांदनी चौक पर कांग्रेस और पूर्वी दिल्ली पर आपके कुलदीप कुमार टफ फाइट दे रहे हैं मोहित। और यहां पर ये कहा जा रहा था कि वोट बटेगा नहीं, यहां पर आप और कांग्रेस गठबंधन को अच्छा खासा वोट मिलेगा, सिख वोट जो है वो यहां पर कुलदीप कुमार को मिलता दिख रहा है, लेकिन जो हर्ष मल्होत्रा है वो तो पूर्वी दिल्ली से निगम पार्षद भी रह चुके हैं, कहा जा रहा था कि उनका अपना एक बड़ा कैडर है वहां पर, उससे फायदा हो सकता है, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं दिख रहा मोहित। देखिए सिर्फ निगम पार्षद नहीं बल्कि मेयर रहे हैं वो पूर्वी दिल्ली, जब 3 हिस्सों में निगम थी तो 3 हिस्सों में निगम के वो मेयर थे ईस्ट दिल्ली से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात इंडिया गठबंधन कह रहा था मुद्दों की राजनीति वो होती हुई कमोवेश यहां पर नजर आ रही है और उन्हीं के आधार पर वोट, इस बार वोट स्प्लिट नहीं हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये लीड। एक अपडेट और दे दूं, चंदौली से महेंद्र पांडे भी पीछे चल रहे हैं, यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक अभी तक मिल रहा है। यह अलग बात है कि अभी तक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है या आ रही है, 337 सीटों पर बीजेपी अभी लीड कर रही है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट, विजय शर्मा हमारे मेहमान जुड़े बीजेपी से और भुवन भास्कर हैं जो समाजवादी पार्टी से। विजय शर्मा, ये 3 राज्य जहां से आप लीड लेने की सोच रहे थे, यहाँ पे क्या ऐसा कैलकुलेशन खराब होता नजर आ रहा है जिसकी वजह से आप ट्रेल हो रहे हैं? देखिए मैं पहले भी इसमें कह चुका हूँ कि ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी, अभी 1-1.5 बजे तक का हमें समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि किस तरह से आप भी खुद बता रहे हो चांदनी चौक में एक वोट का आगे पीछे हो रहा है, तो मुझे लगता है जो हमारे आंकड़े हैं हम उसी आंकड़े तक पहुंचेंगे और यहाँ हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारा जो जमीनी स्तर पे हमने फीडबैक लिया है वहां से हमें किसी भी तरह की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह से हम नहीं। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ विजय साहब, इसको जरा मुझे ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड है, मैं ट्रेंड ही मान के बात कर रहा हूँ, लेकिन